मेयोनीज और सॉस डालने के बाद भाई इसको कर देते हैं मिक्स थोड़ा थोड़ा सा, जिससे इसमें अच्छे से जो है ना भाई फ्लेवर्स आ जाए, फ्लेवर चाहिए बस हमें तो उसमें। ऐसे करके हम इसको कर देंगे। आज वाल्मीकि जयंती है तो भाई आज जान देख लो, थोड़ी ब्लॉक है आज, फिर मैं लेट होने वाला हूँ दुकान के लिए। अब इधर से चलते हैं गली से, क्या फायदा इधर से ले लो, बहुत दूर तक है। अभी तकरीबन पता है टाइम हो रहा है 11:30 के आसपास, और इधर आने से जा रहा है पेट्रोल पंप वाले के पास और खाने के लिए भाई पेट्रोल डालूंगा। मेरे यहाँ के देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि हाँ भाई अब तबीयत खराब होनी शुरू हुई। मैंने फिलहाल मेडिसिन ले लिए घर से, एंड अभी भाई काम करते जी मस्त सो जाते हैं, सुबह को स्कूल भी स्कूल जाना है। सो यो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं तकरीबन 10:30 के आसपास, और आज का व्लॉग लेट स्टार्ट होने का कारण बस यही है क्योंकि कल मम्मी जो है वो आउट ऑफ स्टेशन गई है, तो इस चक्कर में मैं अकेला ही हूँ। तो भाई सुबह मैं आराम से सो करके उठा क्योंकि आज स्कूल की भी छुट्टी है, कुछ वाल्मीकि जयंती करके कुछ है, कल पेपर देने गए थे तो आज छुट्टी है। एक्चुअली व्लॉग तो कल भी शूट करना था मेरे को, बट मम्मी ने कल जो थी भाई हमारी जो आयरन को आप जानते होंगे, जो हमारी दो साइकिल्स हैं, एक आयरन और एक थॉर, थॉर जो नई वाली और आयरन पुरानी वाली, भाई आयरन को मम्मी ने जब मैं पेपर देने गया ना, जब मैंने आके देखा तो मम्मी उसको बेच चुकी थी भाई। एंड अब हमारे पास सिर्फ आयरन रह गई। मैंने बहुत कोशिश करी भाई इसको ढूंढने की कल शाम तक हर कबाड़ी वाले के पास, मगर मेरे को भाई वो नहीं मिल पाई, तो इस चक्कर में थोड़ा सा उदास भी था। बट नाउ अभी थोड़े सोर्सेज वगैरह से हमने फैलाई है बात, तो शायद कहीं से पता चल जाए। मैं डबल रेट दे करके भी उसको लाना चाहूँगा भाई, कुछ चीज़ें आपके ना दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, और मम्मी ने यार वो बेच दिया यार, बस एक तरीके से मेरे को मिल जाए। आप सभी दुआ करना और कमेंट करके बताना कि कैसा फीलिंग आती है इस वक्त, जिसके साथ ऐसा हुआ है, फीलिंग्स बताना अपनी अपनी। तो अभी दिखाता हूँ कि हमारी थॉर कहाँ पर है। तो भाई रात यहाँ पे कोई था नहीं, तो चक्कर है भाई आपके भाई ने थॉर जो थी भाई अंदर ही लगा ली, और ही लगा करके हम इधर सो गए। तो ये वही वाले फीलिंग है जैसे आप सुपर बाइक घर में लगाते हैं ना, ऐसे ही मैं अपनी थॉर को हमेशा अंदर लगाता हूँ जब कोई नहीं होता। इसके साथ साथ यार एक चीज़ और खड़ी होनी थी हमारे यहाँ पर आयरन, बट वो नहीं है, बाहर भी एक बार ही दिखा देता हूँ, और शायद कुछ व्लॉग्स में मेरे हिसाब से देखने को भी नहीं मिलेगी, अब यहाँ पर भी नहीं है। सो फाइनली गाइस अभी हम आ गए हैं टेरेस पर, एंड अभी मौसम तो खैर बहुत ही ठीक ठाक है, धूप हो रही है। एंड अभी दिखाता हूँ हम कुछ नया स्टॉक भी लाए थे बच्चों में मुर्गे के, तो वो भी दिखाता हूँ आप लोगों के कौन से वाले हम लाए थे। तो भाई ये वाले तो आप लोगों ने देखे होंगे, बट अगर वहाँ पर चेक करोगे ना पीछे की तरफ जो घुस घुस के बैठ रहे हैं, वहाँ पर 5 और ऐसे बच्चे हम लेकर के आए थे, एक देखो वाइट भी बैठा है वहाँ कोने में। तो फाइनली भाई वो मुर्गी बच्चे नीचे लेने आए, आने के बाद हमने भाई पूरा घर साफ सुथरा कर लिया है, बेड भी साफ हो गया, एंड नीचे से फ्लोर वगैरह सब झाड़ू पोछा पूरा आपके भाई ने कर दिया। बस अब ना एक चीज़ की कमी है, और वो है भाई भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज, और अब मैं सोच रहा हूँ कि बनाया क्या जाए। तो फटाफट से फ्रिज में चेकआउट करते हैं कि रखा क्या है, तो उस हिसाब से कुछ प्रिपरेशन करते हैं बनाने की, भूख बहुत तेज़ी लग रही है यार। सो फाइनली भाई फ्रिज में तलाशते हैं कि क्या चीज़ रखी है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर वैसे खाने लायक, अभी सब कुछ बनाना पड़ेगा। एग्स रखे हुए हैं इधर, तो कुछ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो अभी इतनी देर सोचने के बाद मैं बाहर जाकर कुछ सामान लेके आया हूँ, जो कि है भाई 250 ग्राम ऑफ मीट्स, एंड यहाँ पर मैं लिया है भाई एक मेयोनीज का पैकेट जो कि मेरे को पड़ा है कुल 80 रुपये का, और मैं लिया हूँ कुछ 5 सॉस। तो बेसिकली अब हम बनाने क्या वाले हैं, तो रात की एक रोटी बची हुई है, पहले मैं क्या करूँगा कि थोड़ी प्याज वगैरह कट करके मीट फ्राई कर लूँगा, उसी में सॉस डाल करके उसको फ्राई करूँगा बढ़िया से, एंड उसके बाद उसे रोटी पर रखने के बाद उसमें मेयोनीज लगा करके उसे मीट रोल बनाएंगे, और देखते हैं खाकर क्या ये अच्छा बन पाएगा। और अभी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे टाइम भी दिख रहा है 11:42 हो गए हैं भाई, अभी तक नाश्ता ही नहीं हुआ भाई हमारा, तो फटाफट चलते हैं और अपना नाश्ता रेडी करते हैं। सारे काम आदमी कर लेता है, बट एक जो है ना भाई प्याज काटने वाला सीन, ये रुला के छोड़ता है भाई सब बंदों को। अभी मैंने सिर्फ इसको हाफ कट किया है और आंखों में झले आने शुरू हो गई, तो फटाफट से इसको काटते हैं। और आज हम बन गए हैं फूड व्लॉगर। जनरली ऐसा होता रहता है मेरे साथ, जब कोई घर पे नहीं होता तो मैं अपना खाना अपना आप ही बनाता हूँ, लेकिन ये एकदम नेक्स्ट लेवल बनने वाला है भाई साहब, क्योंकि अभी हम
इसमें एग का भी इस्तेमाल करेंगे, मेयोनीज का भी इस्तेमाल करेंगे और सॉसेस का भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये नेक्स्ट लेवल बनने वाला है। तो अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फाइनली फाइनली आपके भाई ने प्याज कट कर लिए, अब सीधा से फ्राई पैन चढ़ाते हैं और बनाते हैं अपना मीट रोल फटाफट से। फाइनली हमने अपने जरूरत के हिसाब से मीट लिया, उसके अंदर लेमन जूस, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालने के बाद हमने उसको मैरिनेट होने के लिए अब रख देंगे साइड में। चॉप हुई भी प्याज भी हमारे पास है। भाई अभी हमारा जो मीट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह डाला और जो मैरिनेट मीट था वो डाला और उसके ऊपर से हमने अनियंस वगैरह भी डाल करके फुल फ्राई कर लिया इसको। और यहाँ पे भाई अपना एग मैंने फ्राई कर लिया था, वो रोटी पर लगा दिया है। इसके बीच में हम यही फील कर देंगे पूरा का पूरा। और खांसी वासी आ रही भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि धुआं ही धुआं कर दिया मैंने किचन में। भाई सबसे पहले हम लगाएंगे इस पर थोड़ी सी चटनी, ये जो मम्मी फ्राई के साथ बनाती है ना बहुत बढ़िया चटनी होती है, ये मजा आ जाता है इसे खा करके। मेयोनीज और सॉस डालने के बाद भाई इसको कर देते हैं मिक्स थोड़ा थोड़ा सा, जिससे इस पर अच्छे से जो है ना भाई फ्लेवर्स आ जाए, फ्लेवर चाहिए बस हमें तो इसमें। तो ऐसे करके हम इसको कर देंगे। फाइनली अपने मीट रोल बन के रेडी हो गया, ये ऊपर से थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने इसको साइड कर दिया है। एंड भाई फिलिंग चेक करो भाई, इसके अंदर की जो मैंने फिलिंग भरी है ना इसके अंदर भाई साहब। तो अभी फटाफट से इसको खाते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। हरी वाली चटनी। हाँ तो भाई अब टाइम हो गया है हमारे ट्यूशन जाने का, जो कि टाइम हो गया है तकरीबन 7 बज गए हैं, तो फटाफट से निकलते हैं ट्यूशन के लिए। खाना वाना तो अभी मैंने नहीं खाया, शाम को मैं सोच रहा हूँ कि वही रोल हम बनाए या फिर कुछ चेंज करें, तो देखते हैं शाम में क्या सीन होने वाला है। बाकी अभी जो है ना ऐसा फील हो रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब सी लग रही है, एक तो नाक बंद हो गई इधर की और थोड़ा थोड़ा सा गर्म गर्म फील हो रहा है, तो भाई दवाई भी लेनी पड़ेगी क्योंकि कल को है अपना पेपर इंग्लिश का, तो वो भी देने के लिए जाना है। तो इसलिए भाई फटाफट से रेडी होते हैं ट्यूशन निकलने के लिए, गेट वेट बंद कर दिया, फटाफट से निकलते हैं ट्यूशन के लिए। तो अभी भाई हमें दानिश भाई का फोन आया है, वो कह रहे हैं चल खाला के यहाँ चलते हैं और खाना लेकर के आते हैं। तो फटाफट से गाइस निकलते हैं क्योंकि वो मेरे को रास्ते में से पिक करेंगे, जहाँ से हम रोड बाय रोड जाते हैं जैसे हम वीडियो शूट करते ज़्यादा, वहाँ से वो मेरे को मिलेंगे एंड फिर उधर से चलेंगे, वरना यहाँ पे आने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। एंड आपको पता ही है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब और दिखा देता हूँ 9:47 हो चुका है भाई, अब ये देखो। तो फटाफट से निकलते हैं। बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।